हसीन लोगों, कैसे हो? ठीक हो ना? तो यार, तबीयत बहुत ख़राब हो गई है हैदराबाद। असल में थोड़ा सा सीरियस हो गया है सर्दी के हिसाब से। तो क्या बंदा इस हालत में ब्लॉग बनानी, बताओ आप लोग। शर्म करो, सबके मैसेज आ रहे हैं यार। मतलब खुशी भी होती है एक तरह से कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, कब आएगा। तो खैर, अभी तैयार तो हो गया, मतलब रेडी हुआ हूँ। सूखा सूखा अभी घड़ियाँ शड़ियाँ कुछ नहीं पहनी, पहले जाके थोड़ी देर धूप में बैठे हैं, कुछ मौसम बॉडी का टेम्परेचर कुछ नॉर्मल करें, अच्छा लगता है। उसके बाद जाते हैं। आज कुछ काम है और आज हम एक दोस्त से भी मिलेंगे। सारी डिटेल बताता हूँ, मैं कुछ खा पी लूँ, भूख लगी है ना। बता देता हूँ, आज के लोग कुछ ऐसे, मतलब यार मैं ना हर किसी को इज्जत देता हूँ, गरीब हो अमीर हो, मैं नहीं देखता। तो नहीं है गरीब होते हैं जो मॉल्स वगैरह में उनको अलाउ नहीं करते जाने के लिए। तो हर किसी का एक ख्वाहिश होती है कि यार हम भी मॉल देखें, क्या है अंदर, शॉप्स, ब्रांड्स वगैरह। तो एक मेरा दोस्त है, वो वैसे पैसे से गरीब नहीं है लेकिन शक्ल से गरीब है। तो उसका दिल था बेचारे का कि वो भी बॉलीवुड देखे, मॉल देखे, मतलब हैदराबाद का जो। तो मैंने कहा था चलो ठीक है, तुम्हें अगर ऐसे अलो नहीं करते जाना, मेरे साथ चल लेना, तुम्हें जाने दे देंगे। तो मैं बस खाना खा के निकलता हूँ उसके साथ, उसको बेचारे को मॉल घुमाना है हमने। तो मैं उस दोस्त से मिलाता हूँ आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं। छत पर आया हूँ धूप में, लेकिन यहाँ भी हवा चल रही है, कसम से अजीब यार। मैं असल में आया बाल ड्राई करने के लिए था, क्योंकि हेयर ड्रायर ख़राब हो गया है, मैं गरीब हो गया हूँ। तो वैसे खाना भी खाने आया हूँ, और सर्दी है तो थोड़ी धूप ले लें, उसके बाद वैसे ही अंदर ही होना है सारा, इंडोर सारा टास्क है जो भी। चलो खाना खाएं, फिर चलते हैं बाहर। ठीक, थोड़ी मेन पॉइंट बताता चलो, मैं वेजिटेरियन हूँ, सही है ना? जिसकी को दावत शावत करनी है तो चिकन चिकन नहीं करना, मैं वेज में ही खुश हूँ, मतलब वेज ही खाता हूँ। ठीक है, रुक, कहाँ से आते हैं? ओके, मैं रेडी फुल, बाद में दिखाता हूँ मिरर में फुल। तो खैर अब निकलते हैं, दोस्त को बहुत वेट करवा दिया, दो का कहा था 2:30 से ऊपर टाइम हो रहा है, चलो फिर निकलते हैं। वो बता जिसकी मैं तारीफ कर रहा था घर पर, ये यार उस बच्चे को लेके, मतलब दोस्त को लेके बॉलीवुड मॉल ये जा रहा है बैग उठा के, शरीफ बल्कि इसकी आगे आगे जाके करते हैं कुत्तों वाली। तो चलो पहले अंदर एंट्री करवा ले। यार इस बंदे को लेकर आगे मैं फंस गया हूँ, 3 दफा मेरी चेकिंग हुई गेट। कैसी लगी? अब बैग भी ले लिया है। अरे यार मैं पता नहीं किसके साथ आया हूँ, ये एक शेट ले रहा नहीं है, बस दूसरों का टाइम वेस्ट कर रहा है, क्या करूँ इसका मैं? करो हाथ जोड़ के। यार शॉल लेनी थी ऑफर चल रही है, ऑनलाइन हर ब्रांड पर पड़ी हुई है, बोनेंजा पर पड़ी है, जेडोट पर पड़ी है, अलमीरा पर भी थी, आइडियाज पर नहीं थी, अलक्रम पर थी। लेकिन इतना पनौती बंदा लेकर आया हूँ मैं साथ कि वो जिस आउटलेट पर चल रहा है वहाँ पर नहीं मिल रही शॉल हमें, ये बंदा साथ है। तो चलो अब कुछ खा पी लें। यार ये जहाँ खड़ा होता है फोटो बनाने के लिए खड़ा हो जाता है। लगा मैं फोटो निकाल रहा हूँ। भाई आ गया फ्यूचर का प्रोग्रामर बंदा हमारा। देखो इसके शशके, देखो बस एराडिस मामा एराडिस। यार बंदा एक दिन में प्रोग्रामर बन गया, नेटफ्लिक्स वेबसाइट बना रहा है, C++ में नेटफ्लिक्स बना रहा है। देखो इतना बड़ा प्रोग्रामर देखा है कभी दुनिया का? प्रोग्रामर बन गए, ऑर्डर ऑर्डर आ गए हमें इस पे, कहाँ पे? ठीक है यार कहीं पे भी आ गए, बहुत ऑर्डर मिल गए, कुछ तो मैंने दिए हैं। अब लैपटॉप कर रहे हैं बंद, अब खेलेंगे चेस हम। हमारा चेस अच्छी थी ना किरण? गलत जगह में थे। आज हम मिले हैं हैदराबाद ग्रैंड मास्टर से चेस के, अब ये लगाएंगे बोर्ड, हम आपको दिखाते हैं। मामा लगाए रिकार्ड, चाह रही हूँ तो मन आओ वाले लगाया, अभी लगाएंगे। लगा स्टार्ट था, केवल स्टार्ट किया। यार इस बंदे ने पहली गेम खेली है और पहली में मुझे चेकमेट दे दिया है, तो अब दूसरी गेम स्टार्ट कर रहे हैं, भाई खुद लगाएंगे चेस का बोर्ड सारा। चलो भाई स्टार्ट करो भाई, लगा दो गेम खेल लिए, भाई ने मुझे चेकमेट दे दिए अच्छे वाले, अब जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। चलो भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है ना? कौन सी शॉप पर भाई, कौन सी? अरे वाह फिर है यार, बड़े लोगों के साथ आ गया हूँ मैं, शॉपिंग शॉपिंग कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या लेते हैं। चलो सर बस फिर देख के दिल खुश हो गया है, सर नीचे करके अब जा रहे हैं। असल में वो रेट लिस्ट देख ली थी ना उन्होंने, मतलब टैग देख लिए थे। मामा ये गरीबन ने कम जो कौन है, छे बाहर नहीं कर मामा। यार ये जा तो रहे हैं ऐसे ही बाहर आएंगे। यार ये देख रहा है सिर्फ, ले कुछ नहीं रहा, देख लो भाई आउटफिटर्स के मालिक, ये सिर्फ चेक करके आते हैं, लेने कुछ भी नहीं आते। बट एक रिटॉर्ड रख वापसी मामा, कोने कमरी गाल मामा, कोने कमरी गाल, कितनी का पानी बनी शर्ट ला,
किडनी का पानी मेरी शर्ट ना बाबा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे यार। असल में भाई पैसे बहुत लेकर आए थे लेकिन कोई चीज पसंद नहीं आ रही, वो बात अलग है ना। उसमें चीजें पसंद आ रही तो उसपे भाई की वो महीने की पूरी मंथली इनकम रखी हुई है। एक शर्ट पसंद आई, टी शर्ट पसंद आई उसपे। मेरा भाई शॉल देखी है 10,500 11,000 की, कह रहा 1200 दूंगा यार। इसलिए मैं इसको लेके नहीं आता मॉल पर। हालत देख लो, हंस रहा है, शर्म आए मामा तुम्हें यार। कुछ मिला ही नहीं, साइजेस नहीं है, सेल लगी विंटर का, वैसे तो ज़्यादा चाहिए नहीं। जा रहे हैं बाहर यार, इसको वापस लेके जा रहा हूँ, जिद कर रहा हूँ, मुझे ट्रॉफी लेके दो। क्या करो आपने, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मान नहीं रहा, चल ही नहीं रहा, जिद करके बैठा यहाँ पर, रो रहा है, मोबाइल चला रहा है। देखो यार यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली फॉर फैमिली, इसका मतलब है सिर्फ फैमिली के साथ आ सकते हैं। लेकिन ये बंदा मान नहीं रहा, कह रहा है कि उनसे पूछो कि चाय पी सकते हैं यहाँ पर। मतलब पढ़े लिखे जाहिल इंसान इसको कहता है यार। भाई चिड़ गया है बंदा अब तो ज़्यादा हो गया यार। अच्छा बंदा है वैसे, बंदा अच्छा है, ये बात माननी पड़ेगी। सह जाता है इतना कोई नहीं सकता। खैर यार हैदराबाद में अच्छी खासी मतलब सर्दी पड़ रही है, पड़ रही है, बोला नहीं जा रहा सर्दी में। हाथ वात सारे वो जाम हो गए। हाँ वही कह रहा फैमिली है बाबा, चलो तो चलो यार देखते हैं कहीं। हमारा आसान ऑर्डर दें दे चाहते रहे, भूख लगी भाई, इसको खाना ला दो कोई। मुंह देख लो उसका भूख में। किल में निकल रहे कौन दी। मनोज समोसे खिला रहा है हमें शोभाजी शेरिन के, चलो खाते हैं रश देख लो। ड्राइवर चुतो दी रहा, मतलब हमारा ड्राइवर थोड़ा गुस्से में आ गया है, भगा रहा है गाड़ी को। चप्पल पाया आयो कौन है, चप्पल पहन कर आया नहीं है, ढूंढ रहे कौन से पहन कर जाऊं। मामा पांजा खान, मामा पांजा 150 आ रहा मामा, बाहर जो गेट सामू आने लंगर खाना दिया अच्छी गया 8 बजे टाइम। करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। यार आ गया हूँ घर पर यार, सर्दी में है ना बाहर ऐसी हालत हो गई है आज तो, और दूसरा थोड़ा दूर गए थे तो रास्ते में ठंडी हवा ये वो खा पी के मतलब सारा होके गुरुद्वारे से अभी घर आया हूँ। अच्छी खासी दोस्त की बेइज्जती करती बेचारे की, रोने लग गया था वो। यार इसमें ये अच्छा बंदा यार, मतलब सहज आता है इसको, कुछ भी कहो ये सामने से कुछ नहीं कहता। यार बंदा बहुत अच्छा है, दिल का और दिमाग का ये वो काम शाम का हर चीज़ का अच्छा है। तो खैर यहीं करते हैं व्लॉग को ख़त्म, मिलते हैं अगली दफ़ा अगले व्लॉग में, इसी दोस्त की करेंगे फिर गुप्तवादी। ठीक है फिर, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।